स्वागत है आपका सुपरफास्ट इंडिया एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ निशा ग्राग। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षकों ने शिक्षा निदेशालय का घेराव किया और जमकर धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री के हट और लापरवाही की वजह से बच्चों को अभी तक पुस्तकें नहीं मिल पाई है और स्थानांतरण की फाइल कंप्लीट होने के बाद मौखिक तौर पर रोक दिया गया, जिससे पूरे शिक्षकों में आक्रोश है। मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा गया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो यह प्रदर्शन चलता रहेगा। इधर प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए उनसे अपील की गई है कि उनकी मांगे पूरी की जाए। यूपी की राजधानी के कप्तान कलानिधि नैथानी जहां एक तरफ अपराध पर नियंत्रण करने के दावे कर रहे हैं, वहीं चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि कभी दिन के उजाले तो कभी रात के अंधेरे में वे आए दिन चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहे हैं और पुलिस की मुस्तैदी की पोल खोल कर रख देते हैं। ऐसा ही ताजा मामला आज फिर संज्ञान में आया है, जहाँ चोरों ने 3 दुकानों का शटर तोड़कर हजारों की नकदी पर हाथ साफ करते हुए मौके से चोर गुजारा हो गया। इसकी सूचना दुकानदारों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने खाना पूर्ति करते हुए जल्द खुलासा करने की बात कही है। आपको बता दें कि चोरी की इस घटना ने रात में गश्त करने वाली पुलिस की पोल खोल कर रख दी है। इधर पुलिस थाने में रहती है और चोर चोरी करके मौके से भी फरार हो गया।